हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुरेशिया आर्ट एंड उर्दू। और हमने अपनी लास्ट वीडियो में इस फ्रॉक का नेक बनाना सीखा था और आज हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। मगर इससे पहले दो बातें हैं जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। सबसे पहली बात यह है कि मैं जो है वो फ्रॉक के बजाय कोट बना रही हूँ। यही पैटर्न होगा, यही डिज़ाइन होगा, सब कुछ एज इट इज़ होगा। सिर्फ दो बातों का डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है? वो ये है कि हमने फ्रॉक को यहाँ से बंद कर दिया है और सिर्फ फ्रॉक लुक दे दिया है। अगर हम इसे यहाँ से ज्वाइन ना करें इस पॉइंट से और हम इसे पूरा खुला रखें तो ये हमारा कोट बन जाएगा। किसी का साइज़ का भी आप बना सकते हैं, बेबी का बनाएं, 1-1.5 साल की बच्ची का बनाएं, जिस साइज़ का भी चाहें आप उसे बना सकते हैं। हर चीज़, हर पैटर्न वही होगा। सिर्फ़ और सिर्फ हम यहाँ से इसे लॉक करने के बजाय इसे हम इस तरह से पूरी कोट को खुला छोड़ देंगे तो ये हमारा कोट बन जाएगा। और अगर हम इसे इस पॉइंट से ज्वाइन कर लेंगे तो हमारा ये फ्रॉक बन जाएगा। खुला रखने के लिए क्या करते हैं और इसको ज्वाइन किस तरह से करते हैं, दोनों बातें मैं आपको अपनी आज की वीडियो में बताऊंगी। दूसरा पॉइंट कि जब हम फ्रॉक बनाते हैं तो हम इसका एक नॉर्मल साइज़ रखते हैं जो मैंने रखा हुआ है, मगर जब हम कोट बनाते हैं तो हम यहाँ से चेस्ट पॉइंट से आस्तीन जहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे इस जगह से हम फ्रॉक के मुकाबले में कोट को थोड़ा ढीला रखेंगे। इसलिए क्योंकि कोट खुला हुआ होता है, जब हम उसे वेयर करेंगे, जब हम उसे पहनेंगे तो वो इधर इस पॉइंट से आस्तीनों के पास से चेस्ट के पास से बिल्कुल भी खिंचना नहीं चाहिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो इस वजह से हम अपना ये नेक जो है वो फ्रॉक के मुकाबले में थोड़ा ढीला रखेंगे। आपको जो है वो अगर फ्रॉक के नेक का साइज़ चाहिए, कौन से मंथ के बेबी का हो, बड़े बच्चों का, छोटे बच्चों का, हर साइज़ मेरी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं कि फ्रॉक के नेक के लिए कितना साइज़ रखना चाहिए और कोट के नेक के लिए कितना साइज़ रखना चाहिए। किसी भी साइज़ के बच्चे का हो, कोई से भी मंथ के बच्चे का हो, क्या साइज़ होना चाहिए वो भी मेरी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उसमें साइज़ को चेक कर सकते हैं। मगर जब भी आप बनाने बैठेंगे तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि यहाँ से ये थोड़ा ढीला होगा। मैंने जो साइज़ दिया हुआ है अपनी डिस्क्रिप्शन में वो मैंने ढीला करके ही दिया है। कोट में थोड़ा सा मैंने लूज स्टिचेस करके ही आपको साइज़ बताया है, मगर फिर भी आप एक दफ़ा उसको अच्छे से चेक कर लेंगे कि आपका जो है वो यहाँ से ढीला है कोट फ्रॉक के मुकाबले में तो आपका ओके है। अगर आपको कहीं से लगे कि नहीं यहाँ पर टाइट हो रहा है तो आप उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। सही है, डिस्क्रिप्शन में हर चीज़ का साइज अवेलेबल है, आप मेरी डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं और हम जो है ये अपना फ्रॉक आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने आपको जो है वो इसमें दो लाइनें लेने को कहा था, सेट की दो सेट बनाने को कहते, यानी कि दो लाइंस लेने को कही थी, आपने वो ले ली होंगी। मगर मैं चूंकि कोट बना रही हूँ और मेरे कोट का साइज़ 1 से 1.5 साल तक की बच्ची का है, इसीलिए मैंने इसमें एक सेट यानी कि एक लाइन बढ़ा दी है। जो हमने तीन लाइनें बनाते हैं उसे हम एक सेट कहते हैं, मैंने वो सेट यहाँ पे बढ़ा दिया है। एक सेट मैंने ज़्यादा रखा है क्योंकि मेरा एक तो जो है वो कोट है और दूसरा 1 से 1.5 साल तक की बच्ची का ये साइज़ है। इसके अलावा अगर आप फ्रॉक बनाएंगे तो उसमें घेर आप ज़्यादा रखेंगे और अगर आप कोट बनाएंगे तो आप इसे इस तरह से ए लाइन बनाएंगे। आपका कोट ए लाइन शेप में आना चाहिए, उसमें घेर कम होगी, उसमें या तो होगी नहीं या बहुत ज़रा सी होगी, इस तरह से ए लाइन में आएगा आपका फ्रॉक। तो इस बात को भी आप अपने ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये मैंने नेक अपना कंप्लीट कर लिया है और जो है वो मैंने इसकी स्लीव्स भी निकालनी है, पर ये आपको भी मैं निकालना सिखाती हूँ कि हम ये फ्रॉक में अपनी स्लीव्स किस तरह से लेते हैं। इसको लेने का तरीका बहुत ही आसान और सिंपल सा है। इसमें आपने क्या करना है कि आपने अपना पूरा जो है ना वो साइज़ काउंट कर लेना है, यहाँ से लेके आपके जितने भी स्टिचेस हैं, इधर से लेकर इस एंड से लेके उस एंड तक सारे स्टिचेस काउंट कर लेने हैं और फिर उसे 6 से डिवाइड करना है। अब आप चाहे कोट बनाएं या फिर आप फ्रॉक बनाएं, दोनों में आप यही काम करेंगे, उसे आप 6 से डिवाइड करेंगे। अब सपोज़ करें कि आपने 6 से डिवाइड करा तो आपके जो पार्ट्स बन रहे उसमें आपकी स्लीव्स का साइज़ जो है वो 12 आ रहा है, ठीक है। 12 स्टिचेस आपने स्लीव्स में लिए, 12 स्टिचेस आपने दूसरी स्लीव्स में लिए, इसके अलावा आपने 8 स्टिचेस अपने फ्रंट के रखे। ये देखें, ये वाला पार्ट हमारा आगे का कहलाता है। जब भी मैं कहूँगी कि 8 स्टिचेस हमने आगे रखे तो स्लीव्स के बाद जो ये इतना
कितना पोर्शन हमारा बच रहा है, ये हमारा फ्रंट है और फ्रॉक में ये बैक हो जाएगा, क्योंकि हम इसे बंद कर देंगे, ये फ्रॉक का बैक है और कोट का फ्रंट हो जाएगा, क्योंकि कोट तो ओपन होता है, ये फ्रंट है और फ्रॉक का बैक है। तो हम ये बोलेंगे कि आगे की तरफ हमने 8 स्टिचेस रखे और पीछे की तरफ भी हमने 8 स्टिचेस रखे। कैसे पीछे की तरफ 8 स्टिचेस रखे, आप ये देखें, इस स्लीव से यहाँ पे स्लीव्स हमने ब्लॉक कर दिए, ये मेरी पिन लगी हुई हेयर पिन, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये बैक, ये फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया, इस तरह से। तो आपने अपने स्टिचेस को, जितने भी स्टिचेस आप लेंगे उसे काउंट करेंगे। अगर सपोज करें आपने 8 स्टिचेस 12 स्टिचेस की एक स्लीव्स बना ली है, दूसरी स्लीव भी 12 स्टिचेस की बनाई, आगे 8 रखे पीछे 8 रखे, मगर अब आपके पास 2 स्टिचेस एक्स्ट्रा बच रहे। फॉर सपोज देखें, इस तरह से आपने ये बना लिया, अब आपने जब इसको ज्वाइन करा तो यहाँ पर आपके ये 2 स्टिचेस ज़्यादा आ रहे हैं, ये वाले पार्ट आपके ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप इसे पीछे की तरफ डाल देंगे। जैसे मेरा तो फ्रंट ये है तो मैंने इसे अपने बैग पर यहाँ रख लिया, मगर आप अगर फ्रॉक बनाएंगे तो आपका तो फ्रंट ये होगा, तो आप 2 स्टिचेस हैं तो एक इस तरफ वाले साइज़ पर बढ़ाएंगे और एक इस तरफ वाले साइज़ पर बढ़ाएंगे, एक यहाँ पर ज़्यादा रखेंगे एक यहाँ पर ज़्यादा रखेंगे। इसको देखें, मेरे जो है टोटल 53 थे, ठीक है, मैंने 14 की चेनें ली हैं, मेरी मैंने स्लीव ज़्यादा बड़ी रखी है क्योंकि वो मेरे 1 से 1.5 साल तक की बच्ची का है, तो मैंने स्लीव थोड़ी बड़ी रखी हैं, 14 की मैंने स्लीव ली हैं और अपना फ्रंट मैंने 6 स्टिचेस का रखा है। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्टिचेस मेरे आपने जो लास्ट मैंने लिए हैं 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, ये मेरा फ्रंट हो गया। इसके बाद मैंने अपनी 14 की स्लीव्स रखी। अब स्लीव्स यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे पे काउंट करते हैं, स्लीव्स के स्टिचेस काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 की हमारी एक स्लीव्स हो गई, ठीक है। 6 स्टिचेस हमने फ्रंट पे रखे, 14 स्टिचेस की हमने स्लीव्स बनाई, ठीक है। अब ये हमारे जितने बाकी स्टेजेस हैं इनको आप रहने दें, दूसरी स्लीव्स पर आते हैं। दूसरी स्लीव्स पे भी आपने यही करना है, आपने यहाँ से पहले 6 स्टेजेस काउंट करने, 1 2 3 4 5 6, ये आपका फ्रंट हो गया। अब आप इसके आगे से 14 स्टेजेस काउंट करके स्लीव्स बनाएंगे, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये मेरा 14 आया। मैंने इस तरह से स्टिच को पकड़ा, यहाँ वाला तो मैंने ऑलरेडी होल्ड करके रखा था, इसको होल्ड करा, टर्न ओप करा। अब आप इसे किसी भी चीज़ से ज्वाइन कर सकते हैं, मैं हेयर पिन से ज्वाइन कर रही हूँ, यहाँ से मैंने इसे मार्क कर लिया और ये अपनी स्लीव्स को मैंने यहाँ लॉक कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास जितने भी स्टिचेस बचे वो हमारे बैक साइड पर चले गए, कितने बचे, 1 2 3 4 5 6, ये तो हमारा इसके हिसाब से आ गया, 1 2 3 4 5 6, ये भी हमारा इस पार्ट के हिसाब से आ गया। कितने बचे हमारे पास, पीछे 1 स्टिच एक्स्ट्रा था मेरे पास, मैंने उसे बैक साइड पे डाल दिया। आपके पास अगर 1 स्टिच एक्स्ट्रा है तो आप उसे भी इस तरह से बैक साइड पे रख देंगे, 6 6 की 8 है, तो आपने ये फ्रंट बनाया था वही 6 का आपका बैक भी हो गया, 1 एक्स्ट्रा था तो आपने वो से वहाँ पे काउंट कर लिया। इस तरह से आपने इसे काउंट करना है, 2 या 3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे इस तरह से, बार बार खोल खोल के काउंट करेंगे और आस्तीने बनाएंगे, फिर आपकी बिल्कुल प्रैक्टिस में आ जाएगा और आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। मेरी वीडियो को जब भी स्लीव्स बनाने बैठे अच्छे से गौर से उसे देखिए, समझ कर और फिर इसे बनाइए, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बस दिमाग लगाना पड़ेगा, आपका ये बिल्कुल प्रॉपरली रेडी होगा। ये मेरा बैक है, आपका फ्रॉक बनाएंगे तो ये फ्रंट होगा, तो बिल्कुल प्रॉपरली है, कोई भी चीज़ कहीं पे भी कहीं घूमी भी नहीं है, कहीं अप एंड डाउन नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि हम स्लीव्स को हमने हेयर पिन से ज्वाइन किया था, अब हम इसे थ्रेड से कैसे ज्वाइन करेंगे। मैंने थोड़ा सा वर्क पहले से करके रखा हुआ है, आपने भी इस तरह से अपना नॉर्मल का सेट बनाना है। अगर आपने लास्ट अपना TR लिया है तो TR के बाद आप वही अपना सेट बनाएंगे, बबल स्टिच टाइप का जो हमारा रेडी होता है, आप वही नेक्स्ट स्टेप लेंगे उसका। फर्स्ट 2 लूप्स में से पास आउट करेंगे हम अपना, 2 रहने देंगे पीछे, फिर क्रोशिया लेंगे नेक्स्ट स्टिच में, 1st 2 लूप्स में से पास करेंगे, 2 बैक पे रहने देंगे, फिर क्रोशिया रैप करा,
फर्स्ट दो में से पास करा, बात फोर रह गए, फिर क्रोशिया रैप किया, चारों में से पास करा और तीन की चेन, एक दो तीन। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट स्टिच वाले पॉइंट पर आ गए। ये हमारा स्टिच वाला स्लीव्स वाला आ गया, क्रोशिया रैप करा, फर्स्ट स्टिच में आपने अपना हुक यहाँ से इंसर्ट करा, उधर से भी आपने फर्स्ट पॉइंट लिया, हुक इंसर्ट करा, क्रोशिया रैप करा, पास करा, फिर क्रोशिया लिया, फर्स्ट दो में से आपने टूल फर्स्ट टूल उसमें से पास करेंगे, बाकी रहने देंगे। यहाँ से मैं अभी बॉल अपने हेयर पिन निकाल कर, अब आपने क्या करना है, आप काम इस तरह से कर रहे हैं ना, आप इसे इस तरह से वेव करेंगे, इधर से ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, क्रोशिया रैप करेंगे। अपने ये वाले स्टिच में हमें स्लीव पे काम नहीं करना, मैंने शर्ट में जब फर्स्ट बेबी शर्ट बनाई उसमें भी सिखाया है कि हमें स्लीव पे काम नहीं करना। हम यहाँ से काम कर रहे थे, हमने अपने वर्क को यूं करके टर्न करना है, ठीक है, क्रोशिया रैप करा और जो यहाँ से सबसे पहला स्टिच आ रहा है उसमें इंसर्ट करा, क्रोशिया लिया और फर्स्ट टू में से पास कर दिया, फिर क्रोशिया रैप किया, हुक में इंसर्ट करा, फर्स्ट टू में से पास करा, इनमें से पास करा, तीन की चेन ले ली। तो ये हमारा इस तरह से ये स्लीव्स देखें जॉइंट हो गई है और जो हमारा काम चल रहा था वो उसी वे में काम भी चल रहा है। फिर क्रोशिया रैप करेंगे, फर्स्ट लुक में आएंगे, फिर आपने क्रोशिया रैप किया, नेक्स्ट स्टिच में से पास करके और आपने फिर क्रोशिया रैप किया, नेक्स्ट स्टिच में हुक इंसर्ट करा और आपने इस तरह से पास करा और ये तीन की चेन ले ली। इसी तरह से आप ये काम, ठीक है, इस तरह से आप इसको पूरे पे काम करें, यहाँ तक जहाँ पर आपकी स्लीव्स हैं वहाँ तक आप इसे काम करेंगे, ये हेयर पिन लगी हुई है ना, तो यहाँ तक आप इसे काम करें और वीडियो दोबारा प्ले करें, मैं आपको दोबारा से स्लीव्स ज्वाइन करना सिखा देती हूँ। अब हम यहाँ से अपनी स्लीव्स के ज्वाइनिंग स्टिच पर आ गए, क्रोशिया रैप करा, आपका जो यहाँ का फर्स्ट स्टिच है उसमें हुक इंसर्ट करा, बैक साइड का जो फर्स्ट स्टिच है उसमें हुक इंसर्ट करा, क्रोशिया दोनों में से पास करा, फिर क्रोशिया रैप किया, फर्स्ट टू लूप्स में से पास करेंगे, बाकी एज इट इज, फिर क्रोशिया रैप किया और अपने काम को इस तरह से टर्न ओवर करेंगे और अब आप इस वाले पार्ट पर आ जाएंगे। ठीक है, क्रोशिया रैप करा, यहाँ का जो फर्स्ट स्टिच था उसमें आपने इंसर्ट करा, क्रोशिया लिया, फर्स्ट टू लूप्स में से पास करा, बाकी रहने दिए, फिर क्रोशिया रैप करा, नेक्स्ट स्टिच में इंसर्ट करा, क्रोशिया रैप किया, फर्स्ट टू लूप्स में से पास करा, क्रोशिया रैप किया, चारों में से पास करा और ये तीन की चेन ले ली, 1 2 3। ये देखें हमारी स्लीव भी ज्वाइन हो गई यहाँ से और ये हमारा जो वर्क चल रहा था वो भी कंटिन्यू आ गया हमारा वर्क। ठीक है, इसी तरह से आपने फिर इसको क्रोशिया को रैप करते जाना है और अपना आगे काम जो आप कर रहे थे आप उसी को कंटिन्यू करेंगे लास्ट तक। वीडियो पॉज करें, इसको लास्ट तक करें और फिर वीडियो दोबारा प्ले करें। ये मेरा लास्ट स्टिच रह गया, तो हम सिंपल इसमें एक टीआर बनाएंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम सिंपल एक टीआर अपने लास्ट स्टिच में दोनों तरफ बनाएंगे, इस तरह से हमारा वर्क बैलेंस में रहेगा। ये देखें जितना भी मैंने काम किया है ये सब एक लाइन में आ रहा है, ठीक है, इस वजह से हम इसे एक टीआर बनाते हैं ताकि ये सब एक लाइन में आए। यहाँ पर भी हम यही करते हैं तो ये वाला वर्क भी हमारा एक लाइन में आ रहा है। ठीक है, तो अब हम अपना आगे का काम करते हैं। यहाँ से अपना एक दूसरा कोन ऐड कर रहे हैं।
जहाँ पर हमने एंड किया था वहीं पर हमने दोबारा हुक इंसर्ट करा, और इसके बाद हमने एक स्लिप स्टिच ले लिया क्रोशिया रैप करके, सब में से पास करके इसको यहाँ पे लॉक आउट कर दिया। इसके बाद तीन की चेन ली, 1, 2 एंड 3, अपना वर्क टर्न ओवर करा और अब हम फर्स्ट में डीसी लेंगे, फिर तीन की चेन लेंगे, नेक्स्ट में इंसर्ट करेंगे डीसी, ये देखें यहाँ पर हमारा अब जो हम डीसी ले रहे हैं वो हम उधर उस पॉइंट पर आकर ले रहे हैं जहाँ पर हमने स्लीव्स ज्वाइन करी। ये देखें यहाँ पर हमने स्लीव्स ज्वाइन करी है और अब हम इस पॉइंट पर आकर डीसी ले रहे हैं, तो हमारा इस तरह से वर्क स्लीव्स पर नहीं आएगा। इस वाले तीन चेन के स्पेस में हुक इंसर्ट करके ये हमने डीसी लिया, दोबारा से तीन की चेन बनाई, नेक्स्ट चेन स्पेस में इंसर्ट करा, डीसी लिया। अब यहाँ पर आप इसको देखें तो हमारी स्लीव्स एक ऊपर रह गई और हमारा वर्क नीचे से कंटिन्यू हो गया। हम स्लीव्स पे काम हमेशा आखिर में करते हैं तो वो हम आखिर में ही करेंगे और हमारा ये वर्क इस तरह से चल रहा है। इस पॉइंट पर आपने देख लिया कि हमने कुछ भी नहीं करना, सिंपली आगे से कंटिन्यू करना है, सही है। तो अब आप इसे आगे कंटिन्यू करें, वीडियो को पॉज करें और उसे दोबारा से करें, मैं आपको फिर उसको ज्वाइन करना भी सिखाती हूँ। ये हमने तीन की चेन ले ली अपने सबसे आखिरी वाली, जो हमारा लास्ट स्टिच है उसमें हमने डीसी करा। इसके बाद अगर आप फ्रॉक बना रहे हैं तो इसे आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे, अपना सेकंड पार्ट लेंगे इसका, ये फर्स्ट स्टिच, और यहाँ पर आप सिंपली स्लिप स्टिच कर लेंगे, ठीक है। और अगर आप फ्रॉक नहीं बना रहे, कोट बना रहे हैं, तो आप इसे ज्वाइन नहीं करेंगे। इस पॉइंट पर आप इसे तीन की चेन लेकर काम टर्न ओवर करके जैसे हम ऊपर बना रहे थे वैसे ही नीचे बनाएंगे, और अगर आप फ्रॉक ले रहे हैं तो आप इसमें डायरेक्ट स्लिप स्टिच कर देंगे। मैं आपको स्लिप स्टिच कर एक लाइन इसकी भी आगे दिखा देती हूँ। ये हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच करा सिंपली, इसके बाद हम अपने फर्स्ट तीन की चेन ली हमने, यहाँ से क्रोशिया रैप किया, फर्स्ट चेन स्पेस में होके इंसर्ट करा और यहाँ पे हमने टी आर बनाया। अब यहाँ पर पॉइंट आता है घेर बढ़ाना और घेर कम करना। यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगर आपको घेर बढ़ानी है तो आप एक लाइन में चार बना, इसमें एक होल में चार टी आर बनाएंगे, ठीक है। और अगर आपको घेर कम करनी है तो आप शुरू की दो लाइनों में चार चार टी आर लेंगे और उसके बाद आप बाकी सारी लाइनों में तीन तीन लेंगे। अगर आपको लगे कि मेरी घेर कम है, मुझे घेर थोड़ी ज़्यादा रखनी है, तो आप बीच बीच के स्टिचेस में तीन की जगह चार चार टी आर ले लेंगे। मैं यहाँ पर चार टी आर ले रही हूँ, हम शुरू में तो चार ही टी आर लेंगे। फ्रॉक में हम तीन लाइनों के बाद तीन तीन लेना शुरू कर देंगे, और अगर बीच में हमें कहीं घेर लगे कम है तो हम बीच में जो है वो तीन की जगह चार टीआर कर देंगे। ये मैंने यहाँ पे चार लिए, अगले में भी चार, सॉरी तीन है, फोर्थ, नेक्स्ट में,
ये हो गया कंप्लीट, मतलब कि इसको मैंने आपको दिखा दिया इस तरह से, देखें ये बनता जा रहा है और हमारा इस तरह से ये फैलता जाएगा, ठीक है। आपको जितना इसको घेर देना है आप इसे उतना घेर देंगे, यहाँ से आपने ज्वाइन करा था, ठीक है। अगर आप कोट बना रहे हैं तो अब आपको क्या करना चाहिए, मैं अब आपको नेक्स्ट स्टेप कोट का सिखा देती हूँ। ये मैंने आपको फ्रॉक का भी थोड़ा बनाकर दिखा दिया, अब आप इसे इसी तरह से आगे कंटिन्यू करते जाएंगे जितना भी आपको लेना हो। और कितने साइज़ होना चाहिए इसका फ्रॉक का, कौन से बेबी के लिए, वो मेरी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। लेंथ कितनी होगी वो भी मैंने बताई हुई है, सिर्फ नेक का साइज़ नहीं बल्कि लेंथ भी बताई हुई है। तो आप अपने डिस्क्रिप्शन में मेरी चेक कर लें वीडियो की, आपको पता चल जाएगा कि कौन से बेबी के साइज़ के लिए आपको कितना लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसे ज्वाइनिंग स्टिच को भी खोल दिया और अब मैं कोट बना रही हूँ, तो मैं इसे आगे से तीन लाइनें, तीन की चेन लेकर वर्क टर्न ओवर करूँगी और वही स्टेप रिपीट करूँगी, अपने फर्स्ट उसमें इंसर्ट करूँगी। और मेरा चूंकि ए लाइन होगा, ज़्यादा घेर वाला नहीं होगा, इसीलिए मैं इसे तीन के ही उस पर रखूँगी। अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं बीच में कहीं पर टी आर चार कर दूँगी, अदरवाइज़ मैं इसे तीन के टी आर पर ही बना रही हूँ। मैं इस तरह से अपने तीन तीन टीआर ले रही हूँ और फिर मैं आगे इसको इसी तरह से कंटिन्यू करूँगी। आज की वीडियो में इतना ही, आज की वीडियो में हमने जो है वो आस्तीनें लगा निकालना सीखी हैं कि हम किस तरह से फ्रॉक में से आस्तीनें निकालेंगे। और इसके अलावा जो है वो हमने इसके साइज़ को डिस्कस करा है कि कोट में क्या साइज़ होना चाहिए और फ्रॉक में क्या साइज़ होना चाहिए, हमने साइज़ को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। नेक का साइज़ कौन से बेबी के लिए कितना होना चाहिए वो भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और जो है वो नीचे की लेंथ कितनी होनी चाहिए वो भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और घेर जो है वो आप उसे अपने हिसाब से रखेंगे कि आपको कितनी घेर की ज़रूरत है, ज़्यादा घेर चाहिए तो आप ज़्यादा लाइनों में चार टी आर देंगे, बाकी सब बाकी फिर स्टेप्स को तीन करते जाएंगे। और अगर आपको कम घेर चाहिए तो आप बस दो तीन लाइन में चार दें, बाकी सब में आप तीन तीन दें। और बीच बीच में अगर आपको ज़रा फ्लैफी सा चाहिए तो आप बीच बीच में अपने टी आर्स बढ़ा सकते हैं, जैसा भी आप चाहें वैसा आप कर सकते हैं। इंक्रीज़ करने का सिंपल तरीका ये कि आपने बस चार टी आर लेने हैं तीन की जगह इस वाले स्टेप में। यहाँ पर बबल स्टिच में आप तीन ही रखेंगे, यहाँ पर आप चार नहीं करेंगे, ये वाला जो स्टेप है बबल स्टिच टाइप का, इसमें आप तीन ही रखेंगे, चार नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पर वाले में आप चार या तीन जो भी आपको चाहिए आप वैसे रखेंगे। कोट होगा तो हम इसे किस तरह से बनाएंगे, और अगर हम इसे फ्रॉक बना रहे हैं तो ज्वाइन करेंगे किस तरह, ज्वाइन करने के बाद आगे कंटिन्यू किस तरह करेंगे, वो दोनों बातें भी मैंने आपको सिखा दी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आप मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो से सबसे पहले नोटिफाई हो सकें।